नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया मार्ट, इंटरमेस, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, JMB ऑटो, IGL, MGL, BSE इंडिया, CDSL और जो IRFC IPO है और इंडिगो पेंट IPO के बारे में। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंडिया मार्ट इंटरमेस लिमिटेड से। तो इस शेयर का आज जो है रिजल्ट आया है और प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ है। तो दोस्तों, जब तक प्रॉफिट में ग्रोथ होता रहेगा तो ये शेयर आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। और ये शेयर देखने अपना जो हाई लगाया वो है 8374 का। और ये स्टॉक को मैंने उसी समय से बताया था जब ये 4000 के आसपास हुआ करता था। वहाँ से मैंने काफ़ी बार इसके बारे में बताया। उससे पहले जब ये 2500 पर था वहाँ पर भी आपको मैंने बताया। और आज देख सकते हैं ये शेयर 8000 से भी ऊपर जा चुका था। थोड़ा सा 1000 पॉइंट का करेक्शन पे मिल रहा है। तो आप चाहते हैं तो SIP स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर कहते हैं ये काफ़ी महंगा शेयर है, महंगे शेयर से में वो इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, जो अच्छे शेयर है वो आपको हमेशा महंगे प्राइस पे ही मिलेंगे। और ये बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में है, कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी बेहतरीन है। और यहाँ पर न्यूज़ सेक्शन पर आप जाएंगे तो आप इनके बारे में जान सकते हैं, कंपनी की वेबसाइट पर जाके हर चीज़ जान सकते हैं। और साथ साथ यहाँ देख लीजिए, नेट प्रॉफिट 29% इंक्रीज हुआ और टोटल प्रॉफिट जो हो चुका है 80 करोड़ का हो चुका है। तो इंडिया मार्ट का जो लगातार प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, नेट प्रॉफिट इंक्रीज होकर के 29% तक जा चुका है। तो जिस कंपनी का ग्रोथ हो रहा है उस कंपनी में आपको हमेशा अच्छा रिटर्न देखने मिलेगा। तो इसलिए आपको अच्छे शेयर के साथ हमेशा बने रहना है। तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेहतरीन है। इसका ई कॉमर्स बिजनेस है जो बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में है। आप जो indiamartintermes.com पे जाकर के देख सकते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी जरूर विजिट कीजिए वेबसाइट को, कंपनी के बारे में डिटेल में जानिए। उसके बाद अगला हमारा है बजाज फाइनेंस। इस कंपनी का भी क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले हैं, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों के। और रिजल्ट से पहले देखते हैं 5% की तेजी और बजाज फिनसर्व में जो है 6.76% की तेजी। दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। और बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस की पेरेंट कंपनी है। बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस की मतलब बजाज ग्रुप की पेरेंट कंपनी है। तो बजाज फिनसर्व जो है पेरेंट कंपनी है। तो जो भी बजाज फाइनेंस का मतलब प्रॉफिट होता है उसमें जितनी परसेंट हिस्सेदारी बजाज फिनसर्व के, उतना जो है रिटर्न बजाज फिनसर्व के शेयर होल्डर को मिलेगा। तो इसलिए जब बजाज फाइनेंस ग्रो करेगा तो बजाज फिनसर्व भी ग्रो करेगा। और साथ ही साथ याद रखिए कि ये काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो आपको जब भी गिरावट मिलता है तो आपको इसमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए। देखते हैं ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है। और यहाँ पर जो पैंडमिक में ये गिरावट आई थी तो यहाँ आप इजिली इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे, क्योंकि अब तो ये काफ़ी महंगे स्टॉक हो चुके। अभी भी ये अपने 52-week हाई से 1000 पॉइंट नीचे है। 1000 पॉइंट अभी भी नीचे आपको मिल रहा है। तो अभी भी करेक्शन कभी आता है तो आप करेक्शन पे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बजाज फाइनेंस भी काफ़ी बेहतरीन है। बजाज फाइनेंस अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर चुका था। और यहाँ पर आप न्यूज़ सेक्शन में जाकर देखिएगा तो बहुत सारे जो ब्रोकर्स हैं वो टारगेट दिए हैं इसमें 5800 का टारगेट्स में दे चुके हैं। और अगर इसका रिटर्न देखिएगा तो काफ़ी सॉलिड है। देखते हैं 99000% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, अच्छे शेयर जो होते हैं उसके साथ आपको बने रहना है। अगर वो बिजनेस आपको पसंद आता है तो जो अच्छी कंपनियां हैं और उसके बिजनेस आपको पसंद आ रहे हैं और कंपनी अगर उस बिजनेस की लीडर कंपनियां हैं तो ज़रूर आप उसके साथ लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें। लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा। उसके बाद अगला शेयर है हमारा यस बैंक। यस बैंक भी कभी शेयर होल्डर के बैंकिंग सेक्टर में सबसे चहेता शेयर हुआ करता था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो ये स्टॉक काफ़ी बुरी तरह से क्रैश हुआ और अभी आपको जो है पैनी शेयर्स के भाव में मिल रहा है। तो आप इसमें चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे कंपनी का फंडामेंटल्स धीरे धीरे सुधार होगा तो आपको इसमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसमें जो कुछ ही दिनों में ये 100 रुपीज़ आ जाएगा, इतना आ जाएगा। दोस्तों, अभी कुछ नहीं आने वाला है। जब तक कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हो जाते तब तक आपको इसमें अच्छा रिटर्न नहीं देखने मिलेगा। तो इसलिए जैसे जैसे कंपनी के फंडामेंटल्स इंप्रूव होंगे ये आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। साथ साथ इसका जो 200 डे का EMA है 25 रुपीज़ के आसपास आता है। तो 25 रुपीज़ को जब ब्रेक लेगा तो वहाँ पर बड़े बड़े जो मतलब ट्रेडर हैं, बड़े बड़े जो प्लेयर हैं वो इसमें एंट्री करेंगे। तो वहाँ से आपको प्राइस में थोड़ा सा मोमेंटम देखने मिल सकता है। अगला है हमारा IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक देख सकते हैं कि सबसे बेहतरीन परफॉर्मर है 2021 में। IDFC बैंक जो है बैंकिंग सेक्टर में सबसे बेहतरीन परफॉर्मर 2021 में। और यहाँ पर देख लीजिए 7.93%
का जंप है IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर प्राइस में, और एक दिन में 7 से 8% का जंप। इसका कारण क्या है, जो रिटेल इन्वेस्टर है काफ़ी ज़्यादा इसमें मतलब डिपॉजिट अपना कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि IDFC फर्स्ट बैंक से रोज 7% आफ्टर रिटेल डिपॉजिट 100% इन Q3। तो 100% जो है Q3 में रिटेल का डिपॉजिट जो है वो इंक्रीज हो चुका है। तो इसलिए आपको IDFC फर्स्ट बैंक में इतना ज़्यादा तेजी देखने मिला। साथ ही साथ तो यहाँ पर साथ ही साथ देखते हैं IDFC फर्स्ट बैंक जो पूरे बिजनेस को डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि सिर्फ ये 9% इंटरेस्ट चार्ज करेगा जो कार्ड बिजनेस है। कार्ड बिजनेस पे तो आप जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उसमें सिर्फ 9% का इंटरेस्ट चार्ज करें IDFC फर्स्ट बैंक। तो एक से एक बेहतरीन मतलब स्कीम लेकर आ रहा है ये बैंक, और ये बैंक न्यूली लिस्टेड है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये जो HDFC बैंक है वो नया HDFC बैंक ये बनेगा। तो मतलब HDFC बैंक को आने वाले समय में ये टक्कर दे सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर स्टॉक देखिएगा तो ये स्टॉक अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे है। इसका ऑल टाइम हाई है 80 रुपीज़ और अभी भी ये स्टॉक मात्र 50 रुपीज़ पे है। तो जब ये स्टॉक मिल रहा था आपको 20 रुपीज़ पर, 22 रुपीज़, 25 रुपीज़, उसी समय मैंने रिकमेंड किया था आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन बैंकों में से एक है। अगला शेयर है JMB ऑटो। JMB ऑटो इसका आज जो तेजी है 8.93% का है। बहुत सारे इन्वेस्टर इस तेजी को देख करके इसमें जंप कर जाते हैं, और यहाँ पर देख लीजिए ये स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहता है। मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इस तरह के स्टॉक काफ़ी मतलब पैचीदे होते हैं। यह जाता है ऊपर, फिर आता है नीचे, फिर जाता है ऊपर। तो जो ऑटो सेक्टर है, जो आपको माइनिंग सेक्टर के स्टॉक है, मेटल सेक्टर के स्टॉक है, वो इसी तरह के साइकिल प्रोसेस में दिखेंगे। अप साइकिल, डाउन साइकिल, अप साइकिल और डाउन साइकिल। तो इस तरह के स्टॉक को आपको नीचे के बॉटम वाले प्राइस पर जब मिल रहा है तो वहां पर कैच करना होगा। अभी आप इसमें जंप करने की कोशिश मतलब इसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश ना करें, मतलब इस तेजी को देख करके इसके मतलब इसमें नहीं फंसना है। आप वेट एंड वॉच करें, बहुत सारे स्टॉक आपको मिल जाएंगे इन्वेस्ट करने के लिए जो कि अच्छे प्राइस लेवल पर आपको मिलेंगे। इंट्रेंसिक लेवल पर वहाँ पे इन्वेस्ट करना है। ये देख लीजिए इसका 52 वीक लो है 95 रुपीज़ और ये जा चुका है 367 रुपीज़ पे। तो अभी आपको इसमें इन्वेस्ट करने से थोड़ा बचना चाहिए। अगला हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर गैस लिमिटेड IGL। IGL को मैंने काफ़ी बार आपको बताया था जब ये 400 के आसपास था कि आप इसमें पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं और इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्टॉक जब चलना शुरू करेगा तो मार्केट किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस स्टॉक के बारे में। और देख सकते हैं वैसा ही हुआ है। ये स्टॉक जब चलना शुरू किया है तो ये लगातार देख सकते हैं अप ट्रेंड में है। तो ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। धीरे धीरे आपको अच्छा खासा ये रिटर्न जनरेट करके देगा। अगर चार्ट देखेगा तो लगातार देख लें सॉलिड चार्ट है, लगातार अप ट्रेंड में रहने वाला चार्ट है। तो इसी तरह के जो टेक्निकल चार्ट्स होते हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखते हैं आपको, उसी में आपको इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर हम 2004 से 2021 तक की बात करें तो 5000 के आसपास ये रिटर्न दिया है और चार्ट भी काफ़ी सॉलिड है। तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर गिरावट में आपको बाय करना है। और इस सेक्टर के मतलब जो गैस सेक्टर है, गैस सेक्टर के जो दूसरे स्टॉक है वो है महानगर गैस। महानगर गैस में भी 3% की तेजी है और अभी इसमें IGL में देखते हैं 4% की तेजी था। करेंट प्राइस इसका 557 है IGL का, और वहीं महानगर गैस का जो 1078 रुपीज़ है, ये 800 रुपीज़ का स्टॉक हुआ करता था जब से मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं 800 से ये यहाँ तक का जर्नी तय कर चुका और 36% का रिटर्न दे रहा है। अगर लॉन्ग टर्म में बात करें तो अभी भी चार्ट इसका भी अपट्रेंड है। जब से ये लिस्ट हुआ है स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पर 2017 में काफ़ी ऊपर गया था, वहाँ से थोड़ा सा करेक्शन देखने मिला, लेकिन ओवरऑल अभी भी 101% अभी भी लगभग 100% का रिटर्न दे रहा है अपने इन्वेस्टर को जब जो भी शुरू में इन्वेस्ट किए। और यहाँ पर जो भी 800 पर इन्वेस्ट किए हैं तो उन्हें भी अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। अगला हमारा BSE इंडिया दोस्तों, BSE ये हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है। दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज में ये जो स्टॉक एक्सचेंज है इसका भी मतलब स्टॉक लिस्टेड है और ये देखते हैं स्टॉक लगातार डाउन ही जा रहा है, लेकिन यहाँ पर लगातार सपोर्ट लिया 300 रुपीज़ के प्राइस पर और वहाँ से 100% का रिटर्न दे चुका है। तो जब ये 300 रुपीज़ के आसपास था वहाँ पर हमने रिकमेंड किया था, आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म में ये भी अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सकता है। यहाँ पर इसका डिविडेंड देख लीजिए काफ़ी शानदार है 2.74% का आता। जब ये 50% डाउन था यहाँ से, 50% डाउन, तो समझ आइए ये डिविडेंड यील्ड जो था लगभग
6% के आसपास था। तो उसी समय मैंने बताया था कि इसमें आपको आने वाले समय में ग्रोथ भी मिलेगा, साथ साथ एफडी के इतना जो जितना एफडी आपको ब्याज देगा उतना डिविडेंड भी दे रहा है कंपनी, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, आप चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस CDSL, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है क्योंकि जो डिपॉजिटरी चार्ज हम देते हैं NSDL और CDSL दो ही कंपनी है, तो दो ही कंपनी में जो है दोनों में जितना अकाउंट होगा उतना प्रॉफिट होगा और ये कंपनी हमेशा प्रॉफिट करने वाली है और ये कंपनी भी काफ़ी स्टॉक काफ़ी सॉलिड है। यहाँ पर काफ़ी मतलब वीकनेस देखा गया 2017 से लेकर के 2020 की शुरुआत तक, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ से स्टॉक काफ़ी मोमेंटम पकड़ा है और आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सकता है, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है ये और इस स्टॉक में चाहें तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी करेंट प्राइस इसका 522 रुपीज और इसका जो डिविडेंड यील्ड है 0.86% का है, तो इसका डिविडेंड यील्ड भी अच्छा खासा है और ये स्टॉक भी आपको अच्छे प्राइस पर भी मिल रहा है, तो चाहे तो इन्वेस्ट करते हैं या थोड़ा सा करेक्शन का वेट कर सकते हैं, करेक्शन में मिलता है तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद है हमारा IRFC IPO सब्सक्राइब हो चुका है, फुल्ली दूसरे ही दिन पूरी तरह से सब्सक्राइब हो चुका है जो रिटेल कोटा है और ये देख सकते हैं 1.22 times डे टू पे सब्सक्राइब हुआ, तो हो सकता है अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ता है तो ये IPO भी अच्छा खासा लिस्टिंग गेन दे सकता है, लेकिन अभी जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो है 1.25 रुपीज़ 1.3 रुपीज़, तो अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी कम है, तो जो इन्वेस्टर है इसमें काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा खासा नहीं है, तो देखते हैं कितना लिस्टिंग गेन इसमें प्राप्त होता है। लेकिन जो आने वाला IPO है कल जो ओपन होने वाला है इंडिगो पेंट IPO, ये काफ़ी बेहतरीन IPO है, अभी ही इसका 65% तक ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है और लिस्टिंग होने तक में हो सकता है ये ग्रे मार्केट प्रीमियम 100% तक बढ़ सकता है, तो फिर आपको 100% से भी ज़्यादा का लिस्टिंग गेन प्राप्त होगा, तो इस IPO में आप ज़रूर अप्लाई करें, लेकिन थोड़ा सा मार्केट का जो सेंटिमेंट है उसे ज़रूर ध्यान में रखें, मार्केट का सेंटिमेंट क्या होता है, मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चाहे आप पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है, आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको ₹20 पर ट्रेड चार्ज लगता है और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है और इंट्राडे में सिर्फ ₹20 पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।